क्या कॉमर्स वाले यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था। अगर आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि किस तरीके से कॉमर्स स्टूडेंट्स यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, क्या करना होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, अगर आपने 10+2 इन 12th आपने कॉमर्स से किया है या फिर आपने ग्रेजुएशन तक की जो पढ़ाई है कॉमर्स स्ट्रीम से की है, आपने बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स किया है, देन आप डेफिनेटली यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर करके आईएएस आईपीएस IFS या फिर और भी कई सारी पोस्ट होती हैं उन पर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इसका जवाब यही है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी यूपीएससी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। यूपीएससी यानी यूएन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है सिविल सर्विस एग्जाम यानी कि सिविल सेवा परीक्षा, जिसे IAS IPS वाली भी परीक्षा कहते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम के लिए डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं। इसमें होता क्या है, इसमें तीन स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरी होती है मेंस एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा, और तीसरी होती है इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। अगर आप इन तीनों को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं देन आप फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस एग्जामिनेशन यानी कि भारतीय वन सेवा परीक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने, यहाँ पर हम आपको सब्जेक्ट बता रहे हैं, अगर आपने इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है देन आप इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि भारतीय वन सेवा अधिकारी बनने के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं। कौन कौन से, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, बॉटनी केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जियोलॉजी, या फिर आपने एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर इंजीनियरिंग में डिग्री की है देन आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम यानी कि भारतीय वन सेवा परीक्षा जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपने इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन आपने किया हो। वैसे अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि IAS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि भारतीय विदेश सेवा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, IFS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। और एग्ज़ाम अगर आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं, सेलेक्ट होते हैं, देन आप IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, IFS बन सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी पोस्ट होती हैं उन पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने ग्रेजुएशन बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स किया है, आपने बीकॉम किया हुआ है, जो IAS IPS और भी कई सारी पोस्ट हैं उनके लिए आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एग्जामिनेशन क्लियर करके आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।